नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर संजार शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजार शास्त्री बासफवा और फेसबुक पेज डॉक्टर संजार शास्त्री में आपका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर संजार शास्त्री, आपसे आज बात करने वाला हूँ स्पेशली न्यूमरोलॉजी के बारे में। न्यूमरोलॉजी में 1 to 9, 1 से 9 तक का महत्व क्या है, तो आज पर्टिकुलर मैं 1 नंबर पे बात करूंगा जिसका मूलांक, जिसका भाग्यांक 1 नंबर है, वो जातक कैसा होगा और उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसको किस नंबर के घर में रहना चाहिए, ये सारी बातें आपके साथ करूंगा। उसकी पर्सनालिटी क्या है, वो कैसे रहना चाहता है और उसके ऊपर कौन से ग्रह का प्रभाव सही पड़ता है और कौन सा बुरा प्रभाव पड़ता है, तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। मित्रों, न्यूमरोलॉजी में ऐसे तो 0 से नंबर शुरू होता है, लेकिन जिस नंबर का महत्व हो जाए, जिस नंबर की वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू तब होती है जब किसी नंबर के बाद लगता हो, लेकिन अगर नंबर से वो पहले लग जाए 0, तो उसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है। इसलिए न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर को पहला नंबर मानते हैं और ये जो नंबर है अकॉर्डिंग प्लैनेट ग्रहों के आधार पर इस सूर्य ग्रह से सन प्लैनेट से प्रभावित 1 नंबर होता है। तो जिस व्यक्ति का जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख की 1, 10, 19, 28 इन डेट ऑफ बर्थ, जिसका इन डेट में जन्म हुआ हो, उसका मूलांक जो होता है 1 नंबर होता है, लकी नंबर 1 होता है और वो सूर्य के कारण प्रभावित होते हैं। तो ऐसे लोगों की पर्सनालिटी कैसी होती है, तो ऐसे लोगों की पर्सनालिटी ऐसा कहा जाता है कि सबसे टॉप नंबर जो माना जाता है न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर, इसलिए कि ये पहला नंबर है जो शुरुआत करता है, प्रारंभ होता है इससे। इनकी पर्सनालिटी लीडरशिप की होती है, ऐसे लोग लीडरशिप में, नेतृत्व की क्षमता में और सबसे बड़ी बात अपने बात को बिल्कुल दबंग स्टाइल में रखने में पूरे ताकत रखते हैं और सामने वाला इनके बातों को समझता है। जैसे सूर्य का स्वभाव, जैसे ही सूर्य निकलता है और सूर्य के निकलते हैं अंधेरा समाप्त हो जाती है, 1 नंबर व्यक्ति का यही नेचर है, अपने आप को उसी तरह प्रकाशमान रखना चाहता है। ऐसे लोगों को अगर किसी भी घर में रहना हो तो उस घर का नंबर भी प्रयास करें 1 नंबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 1 नंबर घर का हो जाए तो उससे क्या होगा, इस तरह के लोग प्रोग्रेसिव बहुत होंगे, प्रोग्रेसिव होंगे, वो उस घर में रहने वाला बच्चा एग्रेसिव होगा, पढ़ने के प्रति अपना इंटरेस्ट रखेगा। इसीलिए 1 नंबर के जो जातक हैं, ये सूर्य ग्रह से प्रभाव थे और सूर्य ग्रह का स्वभाव क्या है, तो सूर्य का स्वभाव है नेम एंड फेम, आपकी प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ाने वाले सूर्य है। तो 1 नंबर के जो लोग हैं उनका मान सम्मान अच्छा होता है, उनकी प्रतिष्ठा अच्छी होती है, समाज में उनकी इमेज अच्छी होती है, सबसे बड़ी बात अपने जो कार्यशैली है, उनका जीवन पथ है उनका, उस पर ऑलवेज वो एग्रेसिव होकर के और सजग होकर के काम करते हैं। ऐसे लोगों को आलस कम होता है, वो बिल्कुल अपने काम के प्रति बिल्कुल तत्पर होते हैं और हर वक्त अपने काम में फोकस करना चाहते हैं और ऐसे करते भी हैं। ऐसे लोग जो हैं उनका जो स्वभाव होता है, नेचर जो होता है, स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब ये था कि कोई उनको अपने बातों में दबा नहीं सकता, ऐसे लोग होते हैं। और 1 नंबर वाले स्पेशली लोग, जो 1 नंबर जिनका है, जैसे मैंने बताया 1, 10, 19, 28, ऐसे लोगों का जो भाग्य की प्रति यानी कि कर्म के प्रति जो संरचना होती है, बनावट होती है, वो बहुत उन्मुक्त होती है और बहुत बैक एंड में प्लानिंग करके लोग काम करते हैं और वो 99% इस काम में सफल भी होते हैं। ऐसे लोगों के लिए करना क्या चाहिए, कौन सा रंग अच्छा होता है, तो इनके लिए बैगनी कलर बहुत अच्छा होता है, रेड कलर बहुत अच्छा होता है, भगवा कलर बहुत अच्छा होता है, ये सब कलर इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरी चीज, इनको एक चीज का जरूर ध्यान रखना, इनकी कमियां क्या है, क्या करना चाहते हैं, तो कमी ये है कि कभी काल अपने फायदे के लिए
दूसरे का अपमान करने से भी नहीं चुकते, तो इनकी एक कमी है। दूसरी बात कि ऐसे लोग जब बोलते हैं तो सामने वाले को क्या फर्क पड़ रहा है, इसे इनको कोई फर्क नहीं, तो सामने को बुरा भी लगता है तो ये लोग बोलते हैं, ये इनकी कमी है। और कहीं कहा गया है कि जब शब्द किसी को बुरा लगे तो शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो प्रयास आप करें कि अपनी कमी को, कि दूसरे को हर्ट आप कम करें, और फिर देखिए आप अपने इस नंबर को कैसे यूज करते हैं। ऐसे लोगों को कौन से दिन सबसे अच्छा होगा? लकी डे आपके लिए होता है एक नंबर, रविवार, संडे और ट्यूसडे, क्योंकि एक नंबर को सूर्य तो प्रभावित करते करते हैं लेकिन कुछ अंश में मंगल भी प्रभावित करते हैं। तो आपके लिए लकी डे दो दिन हो गया, एक संडे और एक ट्यूसडे। तो संडे के दिन अगर आप कोई काम करते हैं वो आपका सफल होगा, या ट्यूसडे के दिन, तो संडे के दिन क्या काम करेंगे, ऑफिस तो होते नहीं है, कहीं खुलता है, तो उस समय आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, कोई फाइल अप्लाई करते हैं, कोई काम ऐसा करते हैं जो ऑनलाइन सेटअप है या बाद में मेलिंग करना होता है, वो सब आप संडे कर सकते हैं। अगर आप ऑफिशियल कोई काम करना चाहते हैं वो आप ट्यूसडे कर सकते हैं। तो एक नंबर वाले को संडे को और ट्यूसडे को इस काम को करना चाहिए, और इनको समय से कभी मौका मिले, अगर कभी पहचान में और प्रतिष्ठा में कमी आती है और काम में डिले होने लगता है तो इनको रूबी पहनना चाहिए, माणिक्य स्टोन पहनना चाहिए, इनके लिए बहुत अच्छा होगा। नमस्कार, अगला वीडियो मैं दो नंबर पे लेके आ रहा हूँ।